नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानने वाले हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताया था। अगर आप नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, तो आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 जून 2015 से पूरे देश में लागू हुआ, जिसे कि प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता में उद्घोषित किया था, अनाउंस किया था। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक साल तक का जीवन बीमा है, जिसे आप हर साल नवीकरण या रिन्यूअल करा सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की दुर्घटना होने के कारण से मृत्यु हो जाने पर या अपंगता होने के बाद, अपंगता के पश्चात व्यक्ति को इसकी भरपाई के लिए 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में नामांकित करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच में होनी चाहिए और यह बीमा 1 जून से लेकर के 31 मई तक के लिए किया जाता है। मतलब एक साल का कवर लिया जाता है बीमा में, जो कि 1 जून से लेकर के 31 मई, यह हर साल इसी टाइम में, इसी दौरान बीमा कवर लिया जाता है। और इस बीमा में, इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको किस्त देना होता है 12 रुपये सालाना। जी हाँ, 12 रुपये सालाना मात्र। और 12 रुपये सालाना मात्र देने से ही आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं कि अगर किसी कारण दुर्घटना की वजह से अगर मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की या अपंगता हो जाती है व्यक्ति की, तो उनके परिवार वाले को या फिर बीमा धारक को 2 लाख रुपये मुआवजा के रूप में दिया जाता है। तो बीमा के क्या क्या फायदे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीमा में मृत्यु के पश्चात जो बीमा धारक के नॉमिनी होते हैं, जो बीमा धारक के नामित व्यक्ति हैं, उनको 2 लाख रुपये मिलते हैं। और अपंगता की स्थिति में मान लीजिए कि 2 आँख, दोनों हाथ या दोनों पैर, या 1 आँख और 1 हाथ या 1 पैर अगर किसी दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तब उस स्थिति में 2 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। और अगर 1 आँख, 1 हाथ या 1 पैर, मतलब कि कोई भी एक अंग, 1 आँख या 1 हाथ या 1 पैर अगर खराब हो जाता है, तब उस स्थिति में खाता धारक को 1 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है। अब हम देखते हैं कि योजना का लाभ कब समाप्त हो जाता है। तो अगर व्यक्ति की आयु 70 साल से अधिक हो गई हो, तब उस स्थिति में योजना का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। और या तो योजना के बीच में खाता बंद हो जाता है, या खाता धारक स्वयं खाता को बंद कर देता है, या फिर खाता में किस्त कटने लायक अगर राशि नहीं है, तब उस स्थिति में भी इस योजना का लाभ खाता धारक को नहीं मिलेगा। और अगर आपने बीमा कराया है, तो बीमा का क्लेम कैसे आप ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आइए हम देखते हैं कि कैसे आप बीमा का क्लेम लेते हैं। तो किसी भी कारण से अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा जो नामित व्यक्ति है, वो आवेदन करेगा बैंक में जाकर के। खाता धारक की मृत्यु के 30 दिन के अंदर ही वो बैंक में जाकर के आवेदन करता है, और निम्नलिखित जो दस्तावेज है वो उसे बैंक में प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे बीमा धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर बीमा धारक का पासबुक, और नामित जो भी नॉमिनी है या नामित व्यक्ति है उसका ऑफिशियल वैलिड दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट इत्यादि, देन FIR की कॉपी, या और फिर डॉक्टर रिपोर्ट। तो ये सभी चीज़ जो नॉमिनी है, जो खाता धारक का नॉमिनी है, वो ये सभी प्रमाण पत्र ले जा करके बैंक में जमा कराएंगे, और फिर जो बैंक का प्रोसेस होगा
उसको फॉलो करने पर बीमा का क्लेम मिल जाएगा। अगर व्यक्ति अपंग हो जाता है तो उस स्थिति में भी जो खाता धारक है वो अपना पासबुक और FIR की कॉपी और डॉक्टर रिपोर्ट ले जाकर के बैंक में सबमिट करेगा, बैंक में जमा करेगा और अपना क्लेम बीमा का जो राशि है उसका क्लेम कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप बैंक में जाएं और ज़रूर से ज़रूर यह बीमा ज़रूर कराएं, क्योंकि इसका जो मूल्य है बहुत ही कम है। दो लाख रुपए तक का बीमा 12 रुपए में आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करके देता है। और मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, अगर कोई एक आदमी भी अगर बीमा करा लेता है तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हुआ। और इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।